क्या लगता है पकड़ा जाएगा? बच्चे लोग देख के पूरा आफत वाले खुश हो जाते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपने घर से हम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं क्योंकि मुझे लेना है ड्रैग रेस और आज अपनी ब्लैक पैंथर भागे की क्रेटर डील के साथ में। तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर और हैं, बस हाईवे पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सबसे बेहतरीन रेस। और नो डाउट कौन जीतेगा, पहले आप कमेंट बता दीजिए, वीडियो देखने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए कौन जीतेगा। तो चलिए फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेयर वी गो। ये है होंडा क्रेटा और ये अपनी ब्लैक पैंथर दोनों की, और ये रहा अपनी दोनों गाड़ियाँ। ये आपकी 2018 मॉडल डीजल है क्रेटा, जो शायद ES वेरिएंट है, जो कि आपको प्रोड्यूस करती है 90 bhp ऑफ पावर और 220 nm ऑफ टॉर्क। और अपनी ब्लैक पैंथर वो प्रोड्यूस करती है 35 nm ऑफ टॉर्क और 35.5 nm ऑफ bhp। तो नो डाउट उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है पेपर अमाउंट, लेकिन साइज़ में भी छोटी है। लेकिन ये पेट्रोल है डीजल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन क्या करेगा। इसका टॉप इन आराम से 165 टच करती है और ये भी आराम से टॉप इन 160 के आसपास टच कर जाती है। तो यहाँ देखते हैं गाड़ी का कितना निकल पाता है टॉप इन और क्या नहीं है, क्या नहीं सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये दोनों गाड़ियों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये भी 2018 मॉडल है, ये भी 2018 मॉडल है, ये BS4 है, ये भी BS4 है। तो पावर और वेट के मुताबिक तो ये निकलने के चांसेस 100% श्योर है, बट पता नहीं डीजल है, टॉर्की इंजन है, पता नहीं क्या हो सकता है। तो फन टू राइड होगा, फ्री स्टाइल राइड होगा, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हम भी पहली बार करने जा रहे हैं, इसके बाद तो बैक टू बैक नेक्सोन आएगी, वरना ये बहुत सारा वीडियो आएंगे। तो चैनल बने रहे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें, और जब जो पुराने हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, यहाँ NH है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 हॉर्न स्टार्ट होगा गाड़ी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नहीं होगा उसे लॉन्चिंग में दिक्कत। अच्छा आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, हम आते हैं, चल चलिए, हम दे। 1 2 3 चले चले, इसको तो बहुत आसानी से हरा देंगे। हम जानबूझ के हम लॉन्चिंग लेट कर रहे हैं ताकि गाड़ी पिकअप धरे और गाड़ी पिकअप धरे, अब मजा आएगा। ये चौथा गियर क्रेटा पीछे, ये पांचवा गियर बहुत पीछे, ये छठा गियर पकड़ नहीं पाएगा भाई, वो भी एंगल से पकड़ नहीं पाएगा। बट इतना ज़्यादा रफ्तार से बाइक भाग रही है कि आपको अंदाज भी नहीं होगा। तो जस्ट सटी हुई है भाई, सटी हुई है पूरा का पूरा। ये एक्सीलेटर डाउन करते हैं, पुराने का मौका देते हैं ताकि वो आए, और आने के बाद थोड़ा कर्वी रोड है, थोड़ा उसको पूरा मौका देते हैं, लीड देते हैं ताकि वो आए और हमें बीट कर सके। लेट्स सी क्या होता है। ये तो मजाक हो गया, कसम से बता रहे हैं। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, भाग रहा भाग रहा भाग रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भागा 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 भागा, उसको अभी ओवरटेक करते हैं। आराम से घुसती है, आराम से भाई, फाड़ के आ रही है, ये तो पूरा फाड़ के आ रही है क्रेटा। इसको दोबारा मौका दिया निकलने का, और अब लगता है कि वो निकल जाएगी, अब लगता है कि निकल जाएगी, क्योंकि ऊपर अपना टॉप इन पूरा ले चुकी है।
देख तो पकड़ ही लेंगे। क्या लगता है पकड़ा जाएगा? हो लाइन चेंज करने के चक्कर में हो गया आगे पीछे और बहुत आसानी से निकल गए उसे हम। PS6 रहती तभी तो हालत खराब कर देता हूँ, ये इसी से पकड़ नहीं पा रही, दूसरा क्या बोले। कितना गया? चल गया ना, हम तो पूरा मौका दिया आप लोग को आने के लिए, आप पूरा मौका दे रहे, पूरा मौका दे रहे हैं, बार बार बिजाक बिज हो जा रहा है। यहाँ से करेंगे सेकंड राउंड, ठीक है ना? तो यहाँ पर हो रहा है राइडर चेंज, हम चलाएंगे क्रेटा, भाई चलाएंगे डोमिनार। तो बस मस्ती के लिए, ताकि आपको पता चलेगा कितना है क्या नहीं है, नो डाउट निकल जाएगी, हम बस मस्ती मजाक करने के लिए आराम से दाबेंगे, ताकि कितना जाएगी क्या नहीं जाएगी पता चलेगा। चलिए हम लोग राइडर चेंज कर चुके हैं, वो चला रहे हैं अपने भाई चला रहे हैं डोमिनार, और हम लोग चलाएंगे अभी डीजल क्रेटा। तो नॉर्मली हम लोग बस देख रहे हैं कितना भागता है, देखिए वो लेके निकल चुके हैं, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कितना भागता है, देखते बस। बाकी तो फर्स्ट राउंड में क्लियर हो गया था कि कौन कितना जाएगा, सब पता चल गया था। RPM रेट लिमिट 4000 RPM और 100 बहुत आसानी से चल गया, बहुत ही प्यार पूर्वक। पीछे क्रेटा आ गया, हम बाइक है तो इसमें बड़ा गाड़ी है तो जाहिर सी बात है हवा पकड़ता है, लेकिन 150-140 आराम से टच कर रही है, टॉर्की इंजन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 150 और ये 160, आराम से 160 टच की है बिना कोई गाड़ी को प्रेशर दिए हुए। ये हल्का सा ब्रेक लेंगे, लाइन चेंज करेंगे और ये लाइन चेंज हुआ, फुल एक्सीलेटर अगेन से लाइन चेंज होगा। अब ये यहाँ से स्ट्रेट रोड है तो यहाँ से पता चल जाएगा इस गाड़ी कितना टॉपिट ही निकाल सकती है, लेट सी कितना जाती है टॉपिट। कई डोमिनार पीछे है और वो उनको हम स्पेशली बोलेंगे आराम से चलने के लिए, कोई आग बाकी नहीं है। 170 टच करना चाहिए गाड़ी, आई होप कि 170 टच कर ही जाए तो बढ़िया रहेगा। नहीं जा रही 170, थोड़ा सा अप हिल था तो अप हिल में भी 160 पे ही अटक जा रही है। पीछे डोमिनार आ रहा कि नहीं जी? डोमिनार को ज्यादा पीछे नहीं लगी है? आ रही आ रही आ रही। पूरा दहाड़ते हुए आ रही है डोमिनार, बगल से पार हो गया। यहाँ देखिए डोमिनार गई, पूरा दहाड़ते हुए निकली है। ये सारा खेल डिपेंड करता है आपका राइडिंग क्वालिटी के ऊपर और जितना अच्छा राइडर रहेगा। नो डाउट ये भी अच्छा भागती है, अगर इसको भी अगर भरना चाहेंगे टॉप इन में भी निकल सकती है, क्योंकि टॉप इन इसका अच्छा खासा टॉप इन है, 170 आ रही है। एक्चुअली जो हम राइड कर रहे थे वो लास्ट हम 147 तक इसको भगा पाए, उससे ज़्यादा मेरा हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा डर लग रहा था। और मेरा वेट उतना नहीं है तो हवा इसीलिए ये आराम से ये गाड़ी आपका हम ऑलमोस्ट 165 तक गई, 170 जाने वाले थे, सोचे कोई ज़्यादा पीछे रह गया है। ये भी भागती है, क्या बात करो यार, इसको भी भगाना चाहेगा ना, रॉकेट बनती है। मतलब यही है कि सारा खेला डिपेंड करता है राइडर के ऊपर, कितना अच्छा राइडर रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आपने जैसे वीडियो में देखा कि हर बार ब्लैक पेंथरा की निकल जा रही थी,
टॉप एंड वो निकाल लेती है लेकिन ड्राइवर डिपेंड करता है। हम जब चापे गाड़ी को तो ऑलमोस्ट 170 से 65-70 के आसपास जा रहे थे। तो ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। तो सो आप सबको पसंद आएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।